मैंने क्या किया, वट एवर आई हैव मिस्ड, वट शुड आई रिवाइज लेटर। तो प्लीज नोट डाउन द हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्कशीट कंटिन्यूड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। रिमेंबर 5 क्वेश्चंस आई थिंक वी हैव कवर्ड। 5 कर लिए या इससे ज्यादा कर लिए बेटे? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कवर्ड? वी हैव टू डू द मॉड्यूल 2। शाबाश, मॉड्यूल 2। ओके, मॉड्यूल 2 सेकंड पेज, मॉड्यूल 2। बेटे गेट रेडी, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, शुरू शुरू में मॉर्निंग में बच्चा थोड़ा सा एक्टिव कम होता है, लेकिन आपको एक्टिवनेस दिखानी है फॉर द सेक ऑफ योर ओन कैरियर, राइट? आर यू ऑल एनर्जेटिक? बोलो यस सर। आर यू ऑल एनर्जेटिक? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो एक क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, एक आपसे पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग फॉर माई स्टूडेंट्स। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट वायर एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड इज। तो बेटे लार्जेस्ट के बाद लिख, लार्जेस्ट के बाद एक वर्ड ऐड कर दो, व्हेन। व्हेन, ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो बेटे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टीचर ने आपको एक बताया था, ध्यान से सुनो, अगर ये हॉर्स शू मैग्नेट है, योर अटेंशन, और बेटे ध्यान से सुनना है, इधर है आपका नॉर्थ, इधर है साउथ, तो नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर को हुई, ओके, नॉर्थ टू साउथ। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और इसमें से वायर ऐसे जा रही है करंट कैरिंग, और वायर का लेंथ है एल, दोनों में एंगल है थीटा, राइट? तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? मैंने आपको बताया था के आई बी एल साइन थीटा, के कांस्टेंट है, नोट कर लो किसी बच्चे ने ना करा हो तो। के आई बी एल साइन थीटा इज द फोर्स। कोई बच्चा मेरे से पूछे सर बी का क्या मतलब है, देन टीचर विल से व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि हमेशा टेस्ला में होती है। सर आई एल का क्या मतलब है? करंट एलिमेंट। सर एल का क्या मतलब है? इस करंट कैरिंग वायर की जो भी लंबाई है। और फोर्स क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सर थीटा क्या है? थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला एंगल, उसका साइन लेना होता है बच्चे। अब आपको पता है बेटे ये साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी मैक्सिमम साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और वो कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब गौर से देखो, जब साइन मैक्सिमम होएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। तो फोर्स इज मैक्सिमम इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट, बिल्कुल सही बच्चे, सी पार्ट। अगर मेरे मेरे से कोई बच्चा पूछे सर इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज मेरे को क्या नोट करनी चाहिए, तो मेरा आंसर होएगा ये पर्टिकुलर बॉक्स को नोट करना होगा अलोंग विद फिगर। इतना पोर्शन आपको पता ही होना चाहिए। शाबाश सभी बच्चे, ये लूप के अंदर अंदर जो आ गया दैट इज द की पॉइंट। अब मैं चाहूंगा मेरे को जो सेकंड बच्चा है, सेकंड क्वेश्चन है,
वो निखिल निखिल करके बच्चा है बेटे, वो पढ़ेगा प्लीज। अच्छा निखिल इज प्रेजेंट। हाँ निखिल बेटे, आपको सेकंड क्वेश्चंस की क्लियर वर्डिंग पढ़नी है। अ करंट फ्लो इन अ वायर रनिंग बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट इज। सिट डाउन, शाबाश। द करंट फ्लोइंग इन द वायर, सर आंसर बताएं। हाँ बोलो बोलो। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैं इसका रीजन से बताऊं, बैठो बैठो, मैं अभी रीजन भी बताऊंगा और देखते हैं इस बच्चे ने ए ऑप्शन जो बोला है वो सही है कि नहीं। द करंट फ्लोइंग इन द वायर रनिंग फ्रॉम साउथ, रनिंग बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। तो बेटे एक चीज है, उसने हमें हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे करके दिखाया हुआ है, पक्की बात है कि ये साउथ है और ये उसने दिखाया हुआ है नॉर्थ, तो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर को। लेकिन बच्चे इसने हमें ये तो बताया ही नहीं डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें ना एरो लगा तो हुआ है लेकिन वो काफी डिम है बेटे, है ना। ऐसे करो आप, उसको करंट को ऐसे बना दो, चलो ऐसे बना दो, करंट को ऐसे बना दो। अब ध्यान से देखना जरा, अगर करंट इस तरफ हुआ योर अटेंशन, तो करंट एलिमेंट भी इधर को ही होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को हो गया और ये हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स की डायरेक्ट, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो के बी आई एल साइन ऑफ 90 डिग्री बन जाएगा, जो यानी फोर्स मैक्सिमम। पर हमने तो इसकी डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन कैसे देखते थे, आपको याद है ये वाला कुछ ऐसे, क्या बताओ इसमें फील्ड कौन सा होता है बेटे? फील्ड होता है ये वाला फिंगर, ओके। और सबसे बड़ी फिंगर क्या बताती है? करंट, राइट। तो थंब किधर को आ रहा है बेटे? आप लोगों की तरफ आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? वर्टिकली अपवर्ड, राइट। डी ऑप्शन होएगा अगर डायग्राम ऐसे बना दे। फिर से देखो, फिर से देखो, हो सकता है दूर खड़े होने से आपको ना दिखा हो। ध्यान से देखना, मैंने दो चीजें ले ली आपके पास। ये जो ब्लैक मार्कर है ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिया, और ये जो मैं सिंपल राइटिंग पेन है ये मैंने करंट एलिमेंट का डायरेक्शन लिया। याद रहे पेन क्या बता रहा है? पतले वाला करंट। मार्कर क्या बता रहा है? मोटे वाला मैग्नेटिक फील्ड। और मैं राइट हैंड पाम राइट सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने लगा, करेक्ट राइट। तो देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बताता है? ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है फर्स्ट फिंगर, ये लो, ये देखो ये वाला फिंगर इसको बता रहा और पेन वाला ये बता रहा। देखो दोनों मैचिंग हो गए, आर यू गेटिंग? तो थंब किधर को है? थंब आप लोगों की तरफ है, ये देखो हिल रहा है थंब। थंब इस प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो गया बच्चे, इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन के साथ हिंट लिख लो, आंसर इज डी, और साथ में लिख दो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। एक इसका और भी तरीका होता है, जिस बच्चे को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मुश्किल लगे उसके लिए बता रहा हूं एक और तरीका, सुन लो। कोई बच्चा कहता है सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मेरे से मुश्किल है, मेरे को नहीं समझ आता ये वाला, उसके लिए एक बात और सुन लो। आपने ध्यान से सुना, राइट लेफ्ट हैंड लेने की बजाय राइट हैंड लेना है। राइट हैंड लेने के बाद आपने इसकी हथेली को इस तरह से रखना है कि वो करंट को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पुश करे। याद रहे करंट एलिमेंट इज पुश्ड बाय पाम ऑफ द राइट हैंड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंगल स्मॉलर एंगल, तो ऐसे जाएगा। देखो ऐसे, फिर से देखो, करंट ये लिखा टीचर ने आई एल और ये बी, राइट हैंड की हथेली ने ऐसे पुश करा, ऐसे। तो ऐसे पुश करने से अंगूठा किधर को है? आप लोगों की तरफ, राइट। तो जिधर को अंगूठा होता है उधर को फोर्स होता है। फिर से सुनो, ये देखो मैं नजदीक आके दिखा,
ये मेरे राइट हैंड की हथेली, इससे मैंने करंट बोर्ड को भी देखो और मेरे हाथ को भी देखो, इससे मैंने IL वेक्टर को B वेक्टर की तरफ पुश करा थ्रू थीटा थ्रू 90 डिग्री। तो ऐसे करने से अंगूठा किधर को गया? आप लोगों की तरफ। जिधर को अंगूठा होता है उधर को फोर्स होता है। ये जो मैंने बाद में बताया इसका नाम होता है बेटे राइट हैंड पाम रूल। कोई बच्चा कहेगा सर पेपर में कोई भी लगा सकते हैं आंसर बताने के लिए? यस, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड, ये जो मर्जी लगा दो दोनों में। क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट नो फोर्स ऑन, ये कौन सा होएगा? देखो बच्चे योर अटेंशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड ने कोई फोर्स ही नहीं लगाना तो क्या चांस होता है? ध्यान से सुनो, एक बात बताओ मेरे को, करंट का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यस और नो? रेट ऑफ फ्लो। तो कोई बच्चा कहता है सर मैं करंट को ऐसे लिख दूं क्यू अपॉन टी, तो मैं कहूंगा बेटे ये ठीक तो है लेकिन चार्ज की सबस्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा मूविंग। कोई बच्चा बोले सर अगर चार्ज नहीं मूव कर रहा तो मैं क्या लिखूंगा? चार्ज है तो सही लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पर है। तो मैं कहूंगा फिर तो रेस्ट पर है फिर थोड़ी करंट होएगा। करंट इज इक्वल टू 0 एम्पियर इफ चार्ज इज एट रेस्ट। और अगर करंट 0 हो गया इस फार्मूले में, अगर मैं I को 0 पुट करूंगा तो बताना जरा फोर्स ऑन द कंडक्टर कितना आएगा? तो शाबाश, तो आप कहोगे थर्ड का ए ऑप्शन, सॉरी कौन सा, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन होएगा, रेस्टेड चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कभी भी फोर्स नहीं लगा पाता। अब मैं ये चाहूंगा अपने क्लास में एक गुरलीन करके प्यारी सी गुड़िया है, प्लीज कम ऑन द माइक गुरलीन। शाबाश बेटे, आपने मेरे को क्वेश्चन नंबर थ्री को स्टडी करना है, नहीं फोर को, आपने बस कोशिश करना है अजर्शन और रीजन में क्या सही है क्या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, assertion the direction of force is given by Fleming's left hand rule. Reason, if the direction of current is reversed, then direction of force is also reversed. अब आप मेरे को बताओ इसमें से क्या सही है क्या गलत है। कोई और बच्चा प्लीज हेल्प ना करे। Sir, assertion is true. ओके, क्वेश्चन फोर में बच्चा कह रहा है अजर्शन इज ट्रू, रीजन Sir, reason is also true, I think. शाबाश, वेरी गुड, क्लैप फॉर द स्टूडेंट, क्लैप 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 फॉर गुरलीन, बोथ आर करेक्ट। बैठो, अब टीचर इसका रीजनिंग भी क्लियर कर दे तो अपने बच्चों को बहुत बढ़िया क्लैरिटी हो जाएगी। सुनो बेटे, टीचर ने अभी अभी आपको बताया था, ध्यान से सुनना, अगर कोई करंट है और उसमें अगर कोई कंडक्टर है उसमें इतना करंट जा रहा है और कंडक्टर की लेंथ इतनी है तो ये बनता है करंट एलिमेंट। जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो वो है इतने टेस्ला, दोनों की डायरेक्शन में एंगल कितना हो थीटा, तब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? वो लगेगा बेटे फोर्स कितना लगेगा, वो बनेगा BIL sin थीटा और एक कांस्टेंट होता है K। अब बच्चा मेरे को बोलेगा सर ऐसा क्या हो जाएगा अगर मैं ये अजर्शन तो ट्रू हो गया कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लग गया, ऐसा क्या हो जाएगा अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा? तो ध्यान से सुनना अब ये बात, अगर करंट इधर को जा रहा था योर अटेंशन और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था तो दोनों की डायरेक्शन में ये एंगल काम आएगा, तो राइट हैंड फिस्ट रूल देखो ऐसे लगेगा ऐसे, गॉट इट, अंगूठा आपकी तरफ। लेकिन इसी फिगर में अगर मैं करंट अपोजिट कर दूं, करंट को मैं इधर कर दूं अपोजिट और मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही रखूं, तो
तो ये वाला एंगल नहीं काम आएगा बेटे, फिर ये वाला काम आएगा। तो ये वाला काम आएगा, मेरे को टीचर ने क्या सिखाया, हमेशा करंट एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ धकेलना है। तो देखो मेरे राइट हैंड की पाम, तो मेरे को इसको इधर की तरफ लेके आना है थ्रू थीटा। तो अंगूठा अंदर को हो गया, देखो राइट हैंड से अंगूठा अंदर को हो गया, जिधर को अंगूठा हो जाए उधर को फोर्स हो जाता है। तो कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर आपने थीटा यहां से यहां क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि थीटा की डेफिनेशन ही ये है। क्या डेफिनेशन है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं करंट की डायरेक्शन इधर को कर दूंगा तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी इधर को होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, तो ये थीटा काम आएगा। लेकिन अगर करंट उधर को जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये थीटा काम आएगा। समझ आया बच्चे? तो दोनों ही केसेस में करंट के अपोजिट करने से फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, इस वाले केस में परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इस वाले केस में अंगूठा अंदर चला गया परपेंडिकुलरली इनवर्ड। बोलो समझ आया ये आपको, यस और नो? कितने बच्चों को ये वाली बात पहले पता थी कि ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। सिर्फ एक बच्चा, देख लो। ओके, लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर इज मैक्सिमम व्हेन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हम कर चुके हैं पहले बेटे, क्वेश्चन फाइव की। ये बिल्कुल सही, क्योंकि थीटा 90 पर होने से साइन 90 मैक्सिमम हो जाता है, वन वैल्यू होती है, और जब साइन मैक्सिमम हो जाएगा तो इस फार्मूले की वजह से जिसको टीचर बॉक्स में बंद कर रहा है, साइन मैक्सिमम होने से फोर्स अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। सो अजर्शन सही। सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बिल्कुल गलत। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। सो रीजन इज रॉन्ग। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे मेरे को एक बच्चा चाहिए, द नेम इज प्रभदीप। प्रभदीप माइक पे आओ बच्चे, शाबाश प्रभदीप। एब्सेंट है बेटे? ओके, एक और बड़ा प्यारा सा नाम है यश। यश बच्चा माइक पे आएगा। यश बच्चा बेटे प्लीज कम एंड यू विल रीड द सिक्स्थ क्वेश्चन, शाबाश, एंड विल आल्सो ट्राई टू आंसर सिक्स्थ क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट एंड रीजन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बार हैज फोर्स एट द एंड। आप बताओ आपको ये बात कौन सी सही है, इसमें कौन सी नहीं? और दोनों ट्रू है। तो इस बच्चे का आंसर देखो क्या कह रहा है, दोनों सही हैं। अब बैठो बेटे, शाबाश बैठो, मैं बताऊंगा इसको विद लॉजिक। एक बच्चा कह रहा है सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वो एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रही है, अजर्शन कह रहा है, और ऐसा सही है। क्यों सही है? टीचर ने अपने बच्चे को क्या बताया था बेटे, कि अगर एक सॉफ्ट आयरन का कोर ले लो, उसके ऊपर से कॉपर को ऐसे बाउंड कर दो, बशर्ते के कॉपर में करंट निकाल दिया नीचे से बैटरी लगा के, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह इसके नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। अगर एक बच्चे को इधर खड़ा कर दे, मान लो एक गर्ल को इधर खड़ा कर दिया और उससे पूछा आपको करंट किस डायरेक्शन में दिख रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो वो गुड़िया बोलेगी सर ऐसे करंट का मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज में साउथ दिखता है। और एक बच्चे को इधर खड़ा कर दिया, मान लो बॉय है, उसको ये वायर ऐसे दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर नॉर्थ बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है बेटे, नॉर्थ। क्लॉकवाइज में क्या बनता है, साउथ। देखो टीचर ने दो लेटर कैपिटल कर दिए, मेमोरी टूल। जो बच्चा कल नहीं आया था उसको ये जरूर नोट करना चाहिए, लास्ट लेक्चर में जो मिसिंग था। तो अजर्शन इज करेक्ट, रीजन देखते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेट बार हैज द पोल्स ऑन द एंड्स, वो तो अंडरस्टूड ही है, अगर मैग्नेट बन गया तो नॉर्थ और साउथ तो बनेंगे ही पोल्स, बिल्कुल सही। तो ये जो बच्चा हमारा था ना यश, 100% कामयाब रहा, बिल्कुल सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, ये तो पैराग्राफ आ गया थर्ड पेज, इसके लिए मेरे को गुड कोई स्टूडेंट बुलाना पड़ेगा। आई वॉन्ट द स्टूडेंट पूजा, पूजा प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे पूजा बच्चा एब्सेंट है तो फिर भेजो उसको माइक पर। यस यू आर ऑडिबल, प्लीज रीड, प्लीज रीड द पैराग्राफ। Andrew, Mark and Pierre suggested that a magnet must exert an equal and opposite force on a current-carrying conductor, which was experimentally found to be true. But we know that current is due to change in motion of charges. Thus, it is clear that a charge moving in a magnetic field experiences a force except when it is moving in a direction parallel to it. If the direction of motion is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnitude of force experiences depends on the charge, velocity, strength of magnetic field, and sine of the angle between velocity. Direction of magnetic force is given by Fleming's left hand rule. बैठो बेटे, शाबाश, बहुत ही अच्छा pronunciation था गुड़िया का, प्रेज करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, जिस बच्चे ने पैराग्राफ ध्यान से नहीं भी सुना उसको भी क्लियर समझ आएगा, ध्यान से सुन लेना। पर एक बात बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, यूर इंपॉर्टेंट बेटे, अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू, ध्यान से सुन लेना, अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू इधर को मूव करे V वेलोसिटी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड की मान लो डायरेक्शन ऐसे हो, बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता लगा, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट दिया हो, इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इन दोनों की डायरेक्शंस में एंगल थीटा हो। एक बात याद रहे, टीचर ने पॉजिटिव चार्ज लिया, नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव, और जिधर को पॉजिटिव चार्ज जाता है नेचुरली उधर को ही करंट की डायरेक्शन भी ली जाती है। ओके, अब टीचर बताना क्या चाहता है, टीचर ये बताता है कि ए पॉजिटिव चार्ज व्हेन मूव्स विद वेलोसिटी वी इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगता है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। बच्चा बोलेगा सर कितना, तो उसका आंसर है क्यू वी बी साइन थीटा, नोट कर लो अगर नहीं आता तो, क्यू वी बी साइन थीटा ये फार्मूला होता है, नोट कर लिया। और एक बच्चा बोले सर एक बात बताना, आई सेड व्हाट, अगर ये चार्ज नेगेटिव होएगा तो क्या फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान से सुन लेना आप, अगर नेगेटिव चार्ज होएगा तो भी फोर्स लगेगा, लेकिन 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 अगर उसने नेगेटिव चार्ज इधर को मूव करवाया नेगेटिव, तो आपने इस फार्मूले को लगाने के लिए पेपर में उसके अपोजिट डायरेक्शन ले लेनी है पॉजिटिव चार्ज की पेपर में, और फिर ये फार्मूला पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को मान लो इधर को मूव कर दिया डाउनवर्ड, तो आपने उसके इक्विवेलेंट मान लेना है कि कोई पॉजिटिव चार्ज ऊपर को जा रहा है अपोजिट, अब ये फार्मूला लगाना है। दूसरी बात, एक बात और सुन लो, दूसरी बात, इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, ध्यान से सुन लो,
उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हम बना लेते हैं पहले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। अब इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहा है, ईस्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो हमारा पॉजिटिव चार्ज एक तरह से इधर को आ रहा है, अपोजिट ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ओके। अब आपने बताना है फोर्स किधर को लगेगा, फोर्स किधर को लगेगा, हां जी साउथ, नहीं बेटे नहीं, देखो ध्यान से सुनो, जिधर को चार्ज जा रहा है अभी अभी टीचर ने क्या बताया था, उधर को करंट भी जाता है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा हो, और अगर करंट उधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो टीचर ने अभी अभी आपको राइट हैंड पाम रूल बताया था, करंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ धकेल दो, तो अंगूठा किधर को हो गया, आप लोगों की तरफ, तो इसमें अंगूठा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड देना चाहिए, जबकि इसने, अच्छा इसने ना बेटे ये फिगर ऐसे बनाया, फिर ध्यान से सुनो, ये फिगर ऐसे बना, हम एक बार फिर से बना देते हैं, उसने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को लिटा दिया ऐसे, तो हम भी कर देते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, ये हो गया नॉर्थ, इसी फिगर को दोबारा बना रहा हूं, ये हो गया बेटे साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, गॉट इट, यस और नो? तो बच्चे इधर को क्या आ रहा है उसका, उधर से इधर को, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर को जा रहा है, जिधर को पॉजिटिव चार्ज जाएगा इधर को, ओके। अब देखो इसके अंदर राइट हैंड पाम रूल लगाऊंगा ऐसे, तो ये जो मैंने पेज सा बनाया ना, इसके परपेंडिकुलरली ऊपर आएगा, देखो अगर मैग्नेटिक, ये मैंने दिखा दिया करंट मार्कर, राइट, ये मार्कर करंट हो गया, ये मोटे वाला मार्कर क्या हो गया, करंट, और ये पतले वाला पेन क्या हो गया, आप लोगों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आई क्रॉस बी, देखो आई क्रॉस बी, अंगूठा किधर को गया, ऊपर को, ऊपर को का मतलब यहां से ऊपर को ऐसे, तो यहां पर इसका आंसर किधर को कहेगा वो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ओहो मैग्नेटिक फील्ड बेटे इधर को नहीं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है पेज से, पेज के ऊपर वाले सरफेस से नीचे को है सरफेस को, ओके ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं लगाऊंगा तो ऐसे लगेगा ये, योर अटेंशन, ये हो गया मेरा करंट मोटे वाला, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड, तो मेरे को राइट हैंड की हथेली से करंट को इसकी तरफ धकेलना है ऐसे, अंगूठा इधर को आया, इधर इधर को क्या है साउथ, साउथ, तो आप लिखोगे इसका आंसर टुवर्ड्स साउथ, डी ऑप्शन, और इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये मुश्किल क्वेश्चन था, घर जाके करना है आपको, तो ये बेटे हुआ फर्स्ट के इसका साउथ, डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी, ध्यान से सुनना अभी मेरी बात, योर अटेंशन, अगर चार्ज भी उधर को ही जाने लग जाए जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एक बात सुनो, वो चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इधर को और इलेक्ट्रॉन इधर को, नेगेटिव होता है, लेकिन टीचर ने क्या सिखाया आपको, ये फार्मूला लगाने के लिए पॉजिटिव चार्ज बना लेना है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट ले लो फिर, गॉट इट, तो चार्ज इधर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर चला गया, दोनों में एंगल कितना हो गया कोई बताएगा, 180 डिग्री, किसी बच्चे को पता है साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होता है बेटे, साइन ऑफ 180 नहीं पता आपको बेटे, जीरो होता है, जीरो लिख लो, अगर नहीं पता लिख लो, साइन 180 भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो ही होता है दोनों, अच्छा अगर अब मैं 180 भरूंगा यहां पर, तो इस फार्मूले के मुताबिक फोर्स कितना आ जाए, जीरो, शाबाश, सो आप इसकी ऑप्शन लिखोगे डी,
फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ऑप्शन आ गई डी. ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स. मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं दिखाएगा, कब बताओ. अच्छा एक बात बताओ है बेटे, अगर मैग्नेटिक फील्ड है ही रेस्ट पर, अगर मैग्नेट सॉरी चार्ज चार्ज इज एट रेस्ट है, तो वेलोसिटी को कितना पुट करोगे बोलो. अगर मेरे क्वेश्चन के मुताबिक वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होएगा, आप बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है. मैं आपसे पूछूं कि अगर ये चार्ज मूव ही नहीं करता तो इसकी वेलोसिटी को कितना पुट करोगे. जीरो. और जीरो भरते ही फोर्स कितना आ जाएगा. जीरो. और इसका मतलब हमें ऑप्शन अपने आप ही पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स. बोलो कौन सा ऑप्शन. ए ऑप्शन. फर्स्ट के थर्ड का ए ऑप्शन. गॉट इट. फोर्थ क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन बीम, देखो फिगर देख लो साथ में. इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी. आ जाओ योर अटेंशन. मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है. गॉट इट. इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है. इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, चार्ज होता है नेगेटिव. टीचर ने इस फार्मूले में कौन सा चार्ज बताया है, पॉजिटिव. तो नेगेटिव का पॉजिटिव इक्विवेलेंट कैसे लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में ले लो, पॉजिटिव चार्ज लिख दो. 90 डिग्री हो गया यहाँ एंगल. ओके. और जिधर को पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर को करंट भी उधर ही जाता है. अब इसके ऊपर हमने फोर्स बताना है. फोर्स कैसे बताएंगे, ये पाम रूल लगा लो. ए इसको इधर को धकेल दो, करंट को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ धकेल दो. ए फिर से देखो ऐसे ऐसे धकेलने से राइट हैंड से अंगूठा किधर को है, अंदर को या बाहर को. तो आप इनटू द पेज लिख लो, कॉमा करके ऑप्शन को सही कर लो. इनटू द पेज परपेंडिकुलरली. इनटू द पेज परपेंडिकुलरली. तो ये फर्स्ट का फोर्थ का सी ऑप्शन हो गया. ठीक है बेटे. ये जो पैराग्राफ था मेरे मुताबिक ये बहुत अच्छा पैराग्राफ था. इस पे स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, ये पेपर में आ सकता है. अब मैं चाहूंगा मॉड्यूल थर्ड में सोलेनोइड के ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है उसको आके ये वाला बच्चा पढ़ेगा. और उस बच्चे का नाम है साहिल. साहिल प्लीज कम ऑन द माइक. एब्सेंट. तब फिर इसको पढ़ेगा बच्चा जस्मीन. जस्मीन प्लीज कम ऑन द माइक. जस्मीन भी एब्सेंट. सिमरन. वाई गॉड. अंजलि. वेरी नाइस. अमनदीप. अमनदीप. हाँ अंजलि आ जाओ बेटे, अंजलि माइक पे आओ. आप सोलेनोइड वाला पैराग्राफ पढ़ोगे और ऊंची आवाज में क्लियर आवाज में सभी बच्चे सुनेंगे. An insulated copper wire bound on a cylindrical cardboard tube such that its length is greater than its diameter is called as solenoid. When an electric current is passed through the solenoid, it produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. The strong magnetic field produced inside a current carrying solenoid
can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the solenoid. The strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid is directly proportional to the number of turns and strength of current in the solenoid. बहुत ही अच्छा, बैठो बैठो। और देखा आपने, ये बच्चा कहीं भी अटका नहीं है। सो गुड प्रोनाउंसिएशन, सो गुड फ्लो। सो इस क्वेश्चन, इस मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने से पहले टीचर आपका बेसिक बना रहा है थोड़ा सा। मेरी गारंटी है, गारंटी कि आपको नए पॉइंट जरूर पता लगेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चंस। सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुन लेना, और जो चीज नहीं पता नोट कर लेना। हमने एक सॉफ्ट आयरन का कोर लिया, सॉफ्ट आयरन कोर, और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने करंट कैरिंग वायर को लपेट दिया, जो कि इसके ऊपर कई टर्न्स दिखाती हुई जा रही है कॉपर की वायर। और खास बात यह है कि इसके अंदर करंट लगाया हुआ है, हमने पास किया हुआ है बैटरी लगाने के बाद। कोई बच्चा कहता है, सर ये तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम ही सोलेनॉइड भी होता है। ओके, दूसरी बात, अब हमें पता है कि ऐसे करने से इधर नॉर्थ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज और ये इधर से साउथ दिख रहा है। ओके, ये भी ठीक है। अब सुन लेना मेरी बात असली, ध्यान से सुन लेना अब असली बात। इस बार मैग्नेट का जो एग्जिस्टेंस हमारे सामने आ गया, कोई बच्चा बोले सर इसकी जो आपने ये डॉटेड एक्सिस दिखाई हुई है, डॉटेड एक्सिस, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी होगी? तो ध्यान से सुन लेना इसका आंसर। इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत होती है म्यू नॉट, चलो म्यू लिख लो, म्यू एक कांस्टेंट है ये, स्मॉल एन और आई, आई कितना करंट जा रहा है। बच्चा बोलेगा सर करंट का तो समझ आया मेरे को, बाकी तो मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा। और ये आप कौन सी चीज बता रहे हो? मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर? ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ऑन सोलेनॉइड ऑफ, सॉरी। ओके, ध्यान से सुन लेना। अब बच्चा कहता है सर स्मॉल एन क्या है? ध्यान से सुन लेना स्मॉल एन, मैं बोलूंगा बेटे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी है, मान लो टोटल टर्न्स इतनी हो और इस सोलेनॉइड की लेंथ है इतनी, तो टोटल टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो तब आता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस एन को यहां पुट करो, ये देखो। अब बच्चा बोलता है सर ये म्यू क्या आ गया? म्यू, ध्यान से सुनना म्यू के बारे में, जो भी अंदर हमने मटेरियल रखा होता है ना, ये वाला सॉफ्ट आयरन रखा है जैसे, इसकी जगह कोई और मटेरियल भी रख सकते हैं वैसे, जो भी मटेरियल रखा होता है वो मैग्नेटिक, वो मटेरियल अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होने देता है, ज्यादा पास होने देता है या कम पास होने देता है, उसको बताने वाला पैरामीटर है ये। इसका नाम होता है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी। बायो में एक टर्म पढ़ते हो आप, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? परमिएबल का मतलब छन छन के जाना, तो परमिएबल, परमिएबल प्लस अबिलिटी, परमिएबिलिटी। तो कितनी फील्ड लाइंस को अपने अंदर से ये गुजरने की परमिशन दे रहा है उसको बताता है। अगर सॉफ्ट आयरन की बजाय कोई और मटेरियल ले लेंगे तो इस म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली सोलेनॉइड बनने के बाद ये एक बार मटेरियल की कंस्ट्रक्शन होगी तो इट एक्ट एज ए कांस्टेंट। ओके,
अब हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा है जितना करंट ज्यादा है. देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा है जितना नंबर डेंसिटी ज्यादा है इफ इफ. और स्मॉल एन कब ज्यादा होता है? जब कैपिटल एन हो. मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा है अगर टोटल टर्न ज्यादा हो. और एक चीज देखो, एल के बड़ा होने से एन छोटा हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होएगा अगर लेंथ ज्यादा होएगी. ये हमने चार कंक्लूजन निकाले. एक खास बात और बताने लगा हूं, खास बात. ये जो एक्सियल, ये जो टीचर ने बताया ना पॉइंट एक्सियल एक्सिस के ऊपर, ये इस एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल किनारों पे नहीं होगा. इसका मतलब बच्चा पूछेगा सर अगर बिल्कुल एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या फार्मूला होएगा? एंड पॉइंट पे सिर्फ दो पॉइंट, बिल्कुल किनारे पे इधर, बिल्कुल किनारे पे उधर, एंड पॉइंट पे, तब वो फार्मूला इस फार्मूले से थोड़ा सा अलग है. उसका फार्मूला है म्यू एन आई, आगे हाफ लगा दो. नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी अगर नहीं पता. इतना नॉलेज आपको होना चाहिए तब आप क्वेश्चन कर पाओगे. कितने, अब टीचर एक बात पूछने लगा है, बिल्कुल सच बोलना है और राइट हैंड खड़ा करके बोलना है. अगर इसमें से कोई भी एक नई बात पता लगी आपको, कोई भी एक नई पद पत, पता, सो रेज योर राइट हैंड देन, रेज योर राइट हैंड अगर एक भी बात नहीं पता लगी. बिल्कुल शाबाश, तो यू हैव लर्न द न्यू थिंग्स. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने ये नोट नहीं करे? पर्टिकुलरली चार बातें नोट करनी है आपने, एक एक दो तीन और ये बक्सा, चार चार चीजें जिसपे टीचर ने टिक कर दिया. अब आप मेरे को आंसर बताओगे इसको देख के. फर्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड, बोलो कहां पर ज्यादा होती है, किनारों पर या सेंटर? बोलो बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश. तो आप बोलोगे सर जो है ना फाउंड टू बी टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अदर, कौन सा सही है ऑप्शन? सी ऑप्शन लिखोगे, लेकिन सी ऑप्शन के ब्रैकेट में लिख दो, सी ऑप्शन के ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट एट एंड पॉइंट्स. सी की ऑप्शन में लिखो सेम एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट एंड पॉइंट्स, क्योंकि एंड पॉइंट पे तो कमजोर हो जाते हैं मैग्नेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इजीली फाउंड बाय यूजिंग, बोलो कौन सा? शाबाश, क्लॉक फेस रूल, सी ऑप्शन, क्लॉक फेस रूल सी ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज प्लीज. नेक्स्ट पेज, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, न्यू वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू वैल्यू? ये न्यू वैल्यू का क्या मतलब हुआ भाई इसका? बेटा इसको ऐसे कर दो, इस क्वेश्चन को, न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स, एट द एंड्स लिख दिया. एट द एंड्स कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल वाले का हाफ हो जाएगी, डी ऑप्शन. हाँ जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन में डी क्यों नहीं हो सकता? फर्स्ट क्वेश्चन में डी क्यों नहीं हो सकता? डी क्यों नहीं हो सकता? फार्मूला देखो आप, जब मैं इसमें से करंट पास कर रहा हूं तो क्या करंट की वैल्यू कहीं चेंज हो रही है? बताओ, नहीं हो रही. क्या इसमें कहीं भी जाता हूं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कभी हो रही है चेंज?
ऐसा तो नहीं है कहीं ये तारे कहीं से लूज हो, कहीं से ढीली हो, कहीं से दूर दूर लपेटी हो, ये तो कंटिन्यूटी में लपेटी है स्प्रिंग की तरह, तो ये भी फिक्स हो गया। यस और नो बेटे बोलो। जब तक स्मॉल एन सेम है, जब तक आई सेम है, जब तक अंदर का मटेरियल सेम है सॉफ्ट आयरन, तीनों पैरामीटर्स कांस्टेंट हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। क्लियर क्लियर है बेटे? क्वेश्चन नंबर फोर पे आओ। क्वेश्चन नंबर फोर, सॉफ्ट आयरन इज एनक्लोज्ड बाय ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर एज शोन इन फिगर। व्हेन द प्लग ऑफ द की इज क्लोज्ड, द फेस बी, बी फेस जो है वो क्या बनेगा? क्लॉक बनेगा कि एंटी क्लॉक? क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा कि साउथ बनेगा? तो बी फेस में हमने देखा बेटे, बी फेस में ऐसे आ रही है वायर, गौर से देखो, ए ऐसे ऐसे करने से अगर मेरे सामने घड़ी का फेस लगा हो तो दैट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में साउथ बनेगा, साउथ, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये जो लिखा हुआ है ना लार्ज स्मॉल, ये ऐसे यूजलेस ऑप्शंस हैं, ये तो इससे कोई मतलब नहीं। सो बी ऑप्शन होएगा, चाहे लार्ज फेस हो चाहे स्मॉल फेस हो। ओके, सेकंड पैराग्राफ कौन पढ़ेगा मेरे पास आके? मेरे को चाहिए एक बच्चा जीवन। हु इज जीवन? जीवन कम ऑन द माइक। आ जाओ जीवन, फटाफट आ जाओ बेटे। जीवन रुक जाओ रुक जाओ, पहले तो जीवन का पर्यायवाची वर्ड बताओ पहले हिंदी में। सर, सोनिया क्रिएट्स फोर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बाय प्लेसिंग आयरन बार्स इन फोर डिफरेंट सोलेनोइड्स। शी ब्रिंग अ बंच ऑफ स्टील पिंस नियर ईच इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब तुम बैठ जाओ बच्चे, शाबाश। मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ। तो जीवन बच्चे ने बड़ा अच्छा पढ़ा बेटे, नो डाउट एट ऑल। अब इसके अंदर क्या है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी सर, जो इससे पहले वाली जो हमने केस स्टडी की उसमें फोर्थ का ए ऑप्शन नहीं आएगा? ए ऑप्शन कैसे होएगा? देखो ऐसे ध्यान से सुनो, बैठो 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 बैठो। ये एक रॉड है बच्चे, राइट? यस। और उसमें बी पॉइंट उसने इधर बोला हुआ, राइट? और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो वायर इसके बैक साइड से जो वायर जा रही है उसमें नीचे को आ रहा है, ऐसे। फिगर की क्लैरिटी पे भी डिपेंड है बेटे। अगर ऐसे होएगा, ध्यान से सुनो, अगर मेरे सामने अगर घड़ी लगी होएगी, ये देखो मैं क्लॉक लगा ही देता हूं, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3 और इधर 6, तो ये मेरे पास घड़ी का डायल है, तो ये उससे मैच कर गई है डायरेक्शन, देखो, याद है? और टीचर ने क्लॉकवाइज में कौन से लेटर को कैपिटल करा था? बोलो, साउथ को। समझ आ गया बेटे? सर अगर ऐसा हो कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड में अगर हम डायरेक्शंस को देखें जहां से करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे साउथ। बैठ जाओ पहले, पता नहीं तुमने कहां से उल्टा पुल्टा पढ़ ली। सुनो एक बार फिर, बताने के बावजूद भी बच्चा अगर सोचो उसका गलत कंसेप्ट कितना डेवलप हो गया। तो ये बच्चे जब मैं इधर से गया तो करंट कहां से जा रहा उधर को पता है? इधर से देखेंगे तो पीछे से खड़े होकर देखेंगे तो करंट दिख रहा है लाइक दिस, इसके बाहर से जा रहा है करंट। आ देखो वायर आयन बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, तो बाहर से जब जाएगा तो मेरे को ऐसे दिखेगा। अगर मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा इस बॉय की जगह पर, ऐसे दिखने से अगर सामने घड़ी लगी होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। एंटी, एंटी में कौन सा लेटर बड़ा करा था टीचर ने? बोलो, नॉर्थ।
और भी बताता हूँ एक बात, इसके बिना एक और रीजन बताता हूँ, इसके बिना मैं एक और भी तरीका बताता हूँ ताकि आप पेपर में डाउट क्लियर हो सके। शाबाश, ये देखो मेरे पास सर्कुलर वायर है, ओके, इसमें करंट ऐसे जा रहा है जिधर को ये ऊपर को खड़ा हुआ। चलो मैं पास करता हूँ, चलो ये मैंने सर्कुलर वायर दिखाई, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, फिर से देख लो मेरा हाथ, ऐसे करंट जाने से आप इसके ऊपर कहीं पर भी राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लो, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में आप यहां से ऊपर को जा रहा है करंट, यहां थंब लगाओगे बेटे, थंब लगाओगे तो फिंगर्स किधर को आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर किधर से निकलती है हमेशा, नॉर्थ से के साउथ से, नॉर्थ से, तो मैंने नॉर्थ ही लगाया, समझ गए। आप राइट हैंड फिस्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल भी लगा के देख सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच मैग्नेट विल अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पिन्स, बताओ। सी क्यों बेटे, अभी अभी टीचर ने क्या बताया था फार्मूला, बी इज इक्वल टू म्यू एन आई, और एन को क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसके अंदर टोटल टर्न्स ज्यादा होंगी उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होएगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होएगा, वो ज्यादा पिन नहीं खींचेगा। बताओ सबसे ज्यादा वाइंडिंग्स किसमें है, बोलो बोलो। अच्छा शाबाश, जो मैग्नेट नंबर थर्ड है ना उसमें सबसे ज्यादा टाइट लपेटी हुई है, ज्यादा टाइट लपेटने से ये वाला गैप कम होने से ज्यादा वाइंडिंग्स आ जाएंगी, तो एन बढ़ गया, फिर स्मॉल एन बढ़ गया, तो थ्री मैग्नेट सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा, इसलिए सबसे ज्यादा पिन जो होंगी वो थर्ड मैग्नेट पे चिपकेंगी। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ थ्री। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मस्ट सोनिया कीप द सेम फॉर हर एक्टिविटी, कीप द सेम फॉर एक्टिविटी, सर्कल यस नो फॉर द करेक्ट रेस्पॉन्स। पूरे थिकनेस ऑफ द वायर, जो वायर लपेटी होती है ना बेटे, ये वाली वायर बराबर की थिकनेस की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं से मोटी कर दो आप, कहीं से पतली कर दो, कहीं से मोटी कर दो, ऐसे ऐसा नहीं है, दिस वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो इसके लिए यस लगा दो, पहले तो यस होएगा तभी ये फार्मूला वैलिड है। दूसरी बात, वोल्टेज ऑफ द बैटरीज, बैटरी की जो वोल्टेज है वो क्या यस सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बोलो बोलो बेटे, यस, उसके लिए भी यस, क्यों क्यों यस क्यों पता लगा, इसलिए ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, अगर वोल्टेज सेम होएगी तार का रेजिस्टेंस सेम होएगा तभी तो करंट सेम होएगा, और अगर चारों डायग्राम में एक दो तीन चार करंट सेम रखेंगे तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, थिकनेस ऑफ द आयरन बार, थिकनेस ऑफ द आयरन बार, ये जो बीच में सॉफ्ट आयरन की बार रखी है ना ये भी सेम होनी चाहिए, उसका भी यस, बताता हूं क्यों। मान लो एक बार हमने, योर अटेंशन, एक बार हमने मोटी वायर, मोटी सॉफ्ट आयरन ले ली, उसका कोर मोटा ले लिया, सॉफ्ट आयरन कोर मोटा वाला ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और एक बार पतला ले लिया, तो जब मैं इसके ऊपर कॉपर लपेटूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाऊंगा दोनों को, तो नीचे वाले केस में क्या होएगा, कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इसके अंदर से जाएंगी, कुछ एयर में से जाएंगी, क्योंकि यहां पर गैप है पतली वायर में, तो एयर के लिए म्यू की वैल्यू अलग आ जाएगी, ये वाला म्यू, जबकि यहां पर मोटे वाले कोर में सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से जाएंगी कोर में, तो म्यू की वैल्यू सिंगल रहेगी, यहां पर डबल होगी, थोड़ी बहुत कोर में से थोड़ी बहुत एयर में से, जबकि यहां पर सारी की सारी कोर में से,
तो जब सारी की सारी सॉफ्ट आयरन के कोर में से जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होएगा उस केस में। ओके इसलिए आप बोलोगे कि अगर इन चारों डायग्राम्स को कंपेयर करना है तो कोर की थिकनेस भी सेम होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, यस टाइम इज ओवर। ओके टाइम तो ओवर, हम अब चलते हैं, बाकी कल अगली बार करेंगे। लेकिन आपको ये समझ आ गया? यस सर। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया प्लीज रेस्पॉन्ड टू द टीचर, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है फिर मेरे को। प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। कुछ बच्चे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे बेटे, देख ले कॉपी डाल, कॉपी को बैग में डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं वो। थैंक यू, दैट इज द रेस्पॉन्स के मेरे बच्चों की ट्यूनिंग होगी। कुछ भी नहीं समझ आया होगा दोबारा बताया जाएगा कल को, डोंट वरी एट ऑल, अल्ट्रा क्लियर करूंगा। तो हम बाकी करेंगे ये कल को, थोड़ा सा आपने भी करके आना बेटे इसमें। ओके सर।